उजरी कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुए कार्तिक मेले में दुकान व जमीन के आवंटन प्रक्रिया से नाराज झूले वालों ने आज विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने झूले बंद करने की घोषणा कर दी। नए आए जनप्रतिनिधियों व नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी मनमानी के चलते ऑनलाइन व ऑफलाइन के चक्कर में कार्तिक मेले की सफलता पर ही प्रश्न चिन्ह लगवा दिए हैं। झूले वालों का कहना है कि महापौर व पार्षद नए लोगों को अंदर अच्छी जमीन दे रहे हैं और हमें बाहर जमीन दी जा रही है। यह धार्मिक मेला है और हम वर्षों से यहाँ झूला लगाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर काफी सारे नियम लाद दिए हैं। नए लोगों को आगे लाया जा रहा है, एक दिन में 3-3 रसीद काटी जा रही है। झूले वालों का कहना है कि कोरोना काल के बाद पहले ही हम लोगों के धंधे मरे हुए हैं, हम पहले ही आर्थिक तंगहाली में हैं। मेले में जमीन आवंटन के नाम पर इस बार पैसा भी ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो जाता तब तक मेले के झूले बंद रहेंगे। झूले वालों का कहना है कि महापौर तथा अधिकारी कहते हैं कि इसको आवंटन लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। सर, हमारा पुरानों का मसला सुलझ नहीं रहा है, नए नए को जगह दी जा रही है, पुरानों का अभी कोई फाइनल नहीं हो रहा है। पुरानों से 10 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, नए वाले से कुछ भी नहीं और मांगा के लगाया जा रहा है, जबकि पक्की जमीन बनाई गई थी उस पर मना कराया गया था कि हम जगह नहीं देंगे, और नए को दे जा रहे हैं और हम लोगों को बाहर, और हमारे अभी मसले सुधर ही नहीं रहे कुओं के। आज किस तरह का विरोध करा है? और हमने आज विरोध करा है इसलिए कि हमारे फैसला हो, जल्दी से हमें न्याय दिलाए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ साहब, और मेरे को बहुत तकलीफ है। मैं कोई इधर भागता हूँ, मौत का कुआ है मेरे पास, झूले हैं, सब है मेरे पास। कितने वर्षों से आप लगा रहे हैं? मैं यहाँ 50 वर्षों से लगा रहा हूँ, मेरा बहुत पुराना रिकॉर्ड है यहाँ। कितने व्यापारी जिन्होंने झूला आज बंद करा है? जितने भी व्यापारी हैं सब हैं, उन्होंने सबने बंद करे हैं। जब तक ये न्याय नहीं होगा कोई फैसला नहीं होगा। मतलब बहुत पुरानी जगह है, रसीद हमारे नाम कटी है, नए आदमी को अंदर दे रहा और पुराना आदमी को वो पुरानी जगह भी दे रहा, बाहर फेंक रहा। काय की जगह दे रहे? झूले की।